नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हर दिन कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3480 नए मरीज, 28 संक्रमितों ने गवाई अपनी जान। झारखंड में कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में फिर राज्य में 3480 पॉजिटिव मिले हैं, इसमें से जो है 1393 रांची के हैं। कुल 28 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में रांची के 5, धनबाद के 9, पूर्व सिंहभूम में, गिरिडीह व कोडरमा से 2-2 और देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, रामगढ़ व सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम से 1-1 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह रही कि एक दिन में 1325 लोग स्वस्थ हुए हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 194, चतरा से 25, देवघर से 156, धनबाद से 136, दुमका से 39, पूर्व सिंहभूम से 492, गढ़वा से 41, गिरिडीह से 14, गोड्डा से 57, गुमला से 94, हजारीबाग से 104, जामताड़ा से 33, खुट्टी से 73, कोडरमा से 145, लोहरदगा से 56, लातेहार से 37, पाकुड़ से 19, पलामू से 52, रामगढ़ से 96, रांची से 1393, साहिबगंज से 53, सरायकेला से 40, सिमडेगा से 71 व पश्चिम सिंहभूम से 60 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन पर आज कड़े फैसले लेगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बड़ा ऐलान। झारखंड में बेहताशा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य सरकार शुक्रवार देर शाम तक कड़े फैसले ले सकती है। इसमें पूर्व में जारी बंदिशों को और कड़ा करने समेत स्कूलों और परीक्षाओं को लेकर निर्णय शामिल है। शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा और आकलन के बाद इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय बैठक की थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा, जो सरकार आज शुक्रवार जो है देर शाम तक इस पर निर्णय ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी जो बलमदीना एक्का का निधन। झारखंड की आन बान शान और जो है सुदृढ़ पहचान देश के सूरवीरों में शुमार रहे परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी जो है बलमदीना एक्का का गुमला में शुक्रवार को निधन हो गया है। वे 91 वर्ष की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर अल्बर्ट एक्का की धर्मपत्नी जो है बलमदीना एक्का के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। साथ ही साथ जो इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंता। बिजली विभाग व रेलवे के 80 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 7 अधिकारी और 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें से जो है फील्ड में काम करने वाले जेई और एई शामिल है। वही रांची जो है रेलमंडल के 70 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 2 विभागों के कर्मचारी का कार्यस्थल में कोरोना पॉजिटिव होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मचारी कोरोना के नियमों का पालन करें। वर्तमान समय में आप खुद को सुरक्षित रखें। आप जब खुद को सुरक्षित रखेंगे तब आपातकालीन सेवा कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के बोलबा में 15 दिन बंद रहेगा साप्ताहिक बाजार। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए स्वेच्छा से लिया गया है फैसला। प्रखंड में जो है बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारियों एवं ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो है लॉकडाउन रखा है। लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। वहीं प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को भी साप्ताहिक हाट बाजार लगती है, पर लोगों ने स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद रखा। सिर्फ जो है सब्जी की दुकानें ही सड़कें की जो है दोनों और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगी हुई थी। वहीं प्रखंड मुख्यालय के व्यापारियों वर्ग एवं लोगों ने 15 दिन का साप्ताहिक हाट बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है। बाजार समिति के अध्यक्ष एंड प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष जो है सुरजन बड़काई की अगुवाई में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बंद का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतिम संस्कार के लिए लाइन। रांची में 100 मौतें, 5 शमशान, 2 कब्रिस्तान में शवों का अंतिम संस्कार। इसमें से 48 की मौत कोरोना से। रांची में मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को रांची के 5 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तान में अब तक का रिकॉर्ड एक दिन में 100 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें से अधिकृत रूप से 48 शव कोरोना संक्रमित के थे। कोरोना संक्रमित 46 शवों का अंतिम संस्कार घाघरा शमशान घाट पर हुआ है। वही 2 संक्रमित जो है डेड बॉडी को रैती रोड कब्रिस्तान में दफना गया है। हरमो मुक्ति धाम, नामकुम और चुटिया मुक्ति धाम में भी अचानक शवों की संख्या बढ़ गई है। डोरंडा के घाघरा में पूरे दिन लाश लाने वाले एम्बुलेंस की लाइन लगी रही। हरमो मुक्ति धाम में देर शाम तक कुल जो है 26 शवों का दाह संस्कार हुआ है। इधर जो है शमशान में शव जलाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें अब तक पैसे नहीं मिले हैं। गुरुवार को जो है डीसी नामक व्यक्ति को बुलाकर शव जलाया गया, लेकिन कुछ देर बाद वह शराब पीने चला गया। तब परिजनों ने जो है खुद ही शव जलाने पड़े। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव के लिए कल अहम दिन। जमानत मिली तो आएंगे जेल से बाहर। तेजस्वी रोहिणी कर रहे हैं पूजा रोज।
चारा घोटाले के चार मामलों में सजा फतह रजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शनिवार 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में उनकी जमानत अर्जी पर जो है दलील पेश करेंगे, जबकि लालू की जमानत के विरोध में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI जो है पुरजोर तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। यह मामला उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार 16 अप्रैल को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन के चलते शुक्रवार को बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में पारा शिक्षक की हत्या, 5 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली। SP ने कहा कि जल्द होगी गिरफ्तारी। सिमडेगा के जो है कुरकेड़ा थाना क्षेत्र के गड़िया जोरक के भालमंडा टोला के पास पारा शिक्षक ज्वेरियल लकड़ा की हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी है। घटना को अंजाम दे अपराधी जंगल के रास्ते भागे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद SP और जो है कुरकेड़ा थाना प्रभारी स्थल पर पहुंच गए हैं और सब को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। SP ने बताया कि आरोपी जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे। पुलिस जो गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में नहीं लगेगा कोरोना का टीका। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल रांची में संचालित कोरोना टीकाकरण केंद्र को राज्य के प्राथमिक विद्यालय थड़पकना हिंदी में शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए अब सदर अस्पताल में किसी को टीका नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों को कोरोना का पहला व दूसरा टीका लेना है वो राज्य के प्राथमिक विद्यालय थड़पकना हिंदी में आकर टीका लगवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहर में रात भर में सरसों तेल 10 रुपए हुआ महंगा। राजधानी में रसोई तैयार करने में सबसे ज्यादा प्रयोग लाए जाने वाले सरसों तेल की कीमत प्रति लीटर में एक रात में 10 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थोक बाजार एंड डिपो में गुरुवार को खाद तेल सरसों तेल की बिक्री बढ़े हुए दाम के साथ खरीदारों के बीच हुई है। बाजार में लीडिंग ब्रांड के रांची स्थित डिपो से बुधवार को सरसों तेल की कीमत में शाम के बाद 5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं गुरुवार को दिन में और 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब बाजार में विभिन्न कंपनियों के सरसों तेल की कीमत 160 रुपए से लेकर 165 रुपए प्रति लीटर तक हो गए हैं। सामान्य कंपनी के सरसों तेल 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं, वहीं ब्रांडेड कंपनी के सरसों तेल 5 रुपए ऊंची कीमत पर बेच जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुश्किलों में घिरी ममता बनर्जी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, मामले में FIR दर्ज। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 4 चरण का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के लिए कल यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC की मुखिया ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल केंद्रीय जो सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली के दौरान लोगों से जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेरावा करने की मांग की है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में फायरिंग की घटना घटी है और 4 लोगों की जान चली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना अनुमति के छुट्टी पर ना जाए पदाधिकारी। रांची में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने निगम के सभी पदाधिकारियों और अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी है। नगर आयुक्त ने कहा है कि जिस प्रकार से शहर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम सबको अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। इसलिए सभी अपने मोबाइल नंबर को 24 घंटे चालू रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर किसी समय भी उनकी सेवा ली जा सके। नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर किसी को छुट्टी पर जाना है तो इसके लिए मेरी अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति के छुट्टी पर जाने वालों पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।